Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी exercise की जो playlist का link है वो आपको description और comment section में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरी exercise का बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो। इस playlist में मैंने एक एक concept, एक एक question पूरे अच्छे से explain किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज क्लास वी विल प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 5.4। प्रीवियस सेक्शन में हमने एक्सरसाइज 5.3 को कंप्लीट किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन वही है, डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चन है, हमें डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो शुरुआत हम कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप ये देखो, यहाँ पे जो आपका गिवन फंक्शन है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि एक फ्रैक्शन फॉर्म में है। फ्रैक्शन फॉर्म में मींस हम क्या अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन रूल। दिस इज द न्यूमरेटर एंड दिस इज द डिनोमिनेटर। तो व्हाट वी विल यूज हियर, वी विल यूज अ क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज साइन एक्स स्क्वायर, देन डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज ई रेस टू पावर एक्स डैश, डैश का मतलब डेरिवेटिव, इन टू डिनोमिनेटर इज एस एच एस, माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इन टू न्यूमरेटर इज एस एच एस। इज इट क्लियर? ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज बाय क्वेश्चन रूल, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, जब फंक्शन इस फॉर्म में होता है तो क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना होता है, देन डिनोमिनेटर इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो यही हमने किया है, डिनोमिनेटर स्क्वायर देन डिनोमिनेटर इज एस एच एस डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इज एच एच एस डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू पावर एक्स इन टू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स, और इन टू में क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन एक्स रेस टू पावर स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? देखो, नाउ वी कैन सेपरेट द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस अगेन ई रेस टू पावर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। का मतलब मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब आप यहां देखो, देखो साइन एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ई रेस टू पावर एक्स इट विल बी इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, और वन बाय साइन एक्स क्या होता है, वन बाय साइन एक्स होता है हमारा कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स माइनस माइनस ई रेस टू पावर एक्स। कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, एंड वन बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स, वन बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो कॉमन क्या ले सकता हूं, ई रेस टू पावर एक्स कॉसेक, ई रेस टू पावर एक्स कॉसेक एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स कॉसेक एक्स, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉट एक्स, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज फॉर टूडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।